नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभा सर्विसेज में। दोस्तों, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के स्क्रबर के बिजनेस की जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी, उसकी सीरीज़ में एक अगला कदम है। ये तीसरा पार्ट है वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें जिससे कि आपको वॉच टाइम मिले। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, इसको आप अनसुना ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप 10 साल पहले अगर जाएं, तो आप देखेंगे कि गूगल पे इंडिया मार्ट का नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। अगर होती भी होगी तो उतनी फेमस नहीं थी। 10 साल से 12 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के समय में अगर आपको कुछ भी ख़रीदना होता है कहीं से, तो आप सबसे पहले गूगल यूज़ करते हैं और सर्च करते हैं। जैसे सर्च करते हैं तो इंडिया मार्ट आ जाता है, वहाँ से डिटेल्स ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक तो इंडिया मार्ट गूगल पर है, आप यूट्यूब के इंडिया मार्ट बन जाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब के इंडिया मार्ट बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो वीडियोस होंगे वो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, देखे जाएंगे। और इस सीरीज़ में मैं भी लगा हूँ, मैं भी बहुत जल्द सारे एरिया वाइज मैन्युफैक्चरर्स जितने भी स्क्रबर से रिलेटेड उनकी डिटेल्स मैं डालने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी डालें, जिससे कि जिस तरीके से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, आपका भी चैनल मोनेटाइज हो सके। अब आपके पास ये है कि मैं वीडियो डालूं कहां से, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जैसे कि अभी मैंने दो वीडियोज़ डाले हैं, एक डाला मैंने हीटर और इलेक्ट्रिक पैनल का, और एक वीडियो डाला मैंने जिसमें स्क्रबर के 430 410 ग्रेड के बारे में बताया मैंने। तो आप कुछ नहीं, वही वीडियो देख करके, उनकी बातों को सुन करके आप अपने वीडियो में अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको मौका मिल जाएगा कि नहीं मेरा वीडियो ये बन गया। 9-10 मिनट का एक वीडियो बनेगा आपका, और 9-10 मिनट का वीडियो उससे कम नहीं होना चाहिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अभी का जो टॉपिक है कि नहीं, अगर आप अपने मन से बना करके डालना चाहते हैं तो आप क्या डाल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी 410 ग्रेड का जो वीडियो डाला है उसको मैंने गूगल पे सर्च किया, पता किया कि हाँ 410 ग्रेड क्वालिटी क्या क्या होती है, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिससे वो बनता है, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने वीडियो बनाया और डाल दिया। इसी तरीके से अभी मैं 430 ग्रेड के बारे में मैंने सारी डिटेल लिख रखी है, अब वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको गूगल से सर्च करना है, उनको कहीं पे बातों को जो जान ज्ञान की चीज़ें उनको लिख लेना, उन्हीं को ध्यान में रख करके उसके ऊपर वीडियो बनाना है, और वीडियो बना करके अपलोड कर देना। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लगातार ऐसा करते रहे तो इन 2 महीने के अंदर कोई ना कोई आपके 2-4 वीडियोज़ ऐसे सक्सेस होंगे कि 2 महीने में आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, वहाँ से आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी राय यही है कि आप YouTube के इंडिया मार्ट बन जाइए। YouTube के इंडिया मार्ट बनने के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया मार्ट से ही आप जो भी जितनी कंपनियों की डिटेल्स हैं उन कंपनियों पे आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके उनके एड्रेस लीजिए, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स लीजिए सीरीज से, और कुछ नहीं करना, उनको कागज़ में कहीं पे नोट कर लीजिए और उसी के ऊपर वीडियो बना करके आप अपलोड कर दीजिए। कितना आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखिए, ये तो हुआ सिर्फ इंडिया के अंदर की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये तो सिर्फ स्क्रबर का है। इसी तरीके से आप टूथब्रश के लिए डाल सकते हैं, इसी तरीके से आप बच्चों के जो टॉयज़ छोटे छोटे खिलौने आते हैं उनके लिए डाल सकते हैं, इसी तरीके से बच्चों के खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें जो स्क्रबर की पैकिंग मशीन के थ्रू पैक होती हैं उसके बारे में अपलोड करके डाल सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक सेक्टर है अपने पास वीडियो बना करके डालने के लिए, जिसमें आप एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों वीडियो बना करके डाल सकते हैं, जिसमें आपको कभी किसी से किसी दूसरे का वीडियो चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि आपके पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा, और आज नहीं तो कल आपका वीडियो आपका चैनल डेफिनेटली सक्सेस होगा, ठीक है। और मैंने सुन रखा है कि जो भी इंसान कोशिश करता है तो वो कभी हारता नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर सफल होता है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी तरीके से करें। आज मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 200 वीडियोस बनाए, 200 चैनल बनाए, जिसमें से सिर्फ मेरा एक वीडियो इतना सक्सेस हुआ कि मेरा आज ये चैनल मोनेटाइज हो गया। तो इसी तरीके से हो सकता है आपका भी कोई ना कोई एक वीडियो
सक्सेस हो जाए, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे आपकी एक ग्रोथ हो जाएगी, आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अगर बात करें एक द इंडियंस टेक करके एक चैनल है, जयपुर का बंदा है, आज से 4 महीने पहले बंदे के पास पौने 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे, जिसने मेरा एक वही जो मेरा जो वीडियो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था उसको चुरा के अपने चैनल पे उसने डाला था, जिसके लिए मैंने उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया था, तब फिर उसने वीडियो डिलीट किया। तो उस बंदे ने के पास पौने 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे, आज उसके पास 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं और उसकी अर्निंग बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोग डेली वीडियोज़ डालें। उसको तो वीडियो डालने के लिए मैटर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट आपको कहीं इधर उधर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, गूगल ही काफ़ी है। गूगल से आप आइडियाज़ जो भी जिस चीज़ के बारे में आप डालना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप पढ़ें, स्टडी करें, उसको पेपर पे लिखें, दिमाग में रखें, उसके बाद उसके बारे में बैठ करके लगातार वीडियो अपने मोबाइल के सामने बोलते चले जाएँ, उसे रिकॉर्ड कर लें और उसी को चैनल पर डाल दें। डेफिनेटली एक दिन आएगा कि आपका वीडियो सक्सेस होगा। मुझे पता है भले ये वीडियो सबको पसंद नहीं आएगा, बट जिस बंदे को भी पसंद आया, अगर उसने मेहनत की, कोशिश की, तो उसका आज नहीं तो कल भला होना ही है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक आदमी भी सक्सेस होता है ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं खुद सेल्फ में बहुत ही जल्द रोज़ 2-3 वीडियो डालने जा रहा हूँ, डाल ही रहा हूँ आपसे, ठीक है। बहुत ही जल्द सारे तरीके, चाहे स्क्रबर हो, चाहे टूथब्रश हो, कई तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, सबके मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल मैं डालना चालू करूँगा यूट्यूब पे, जिससे मेरी तो ग्रोथ होगी। मैं चाहूँगा कि जो डिटेल्स मैं डाल रहा हूँ उसी को आप खुद कॉपी करके डालें, जिससे कि आपकी भी ग्रोथ हो सके। तो मेरा एक सपोर्ट ये है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो देख करके, भले सब लोग तो नहीं, एक आधे कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो ज़रूर इस काम को चालू करेंगे और इस तरीके से अपने चैनल को एक ग्रोथ देंगे। और इसी उम्मीद को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे मेरा फ़ायदा ये है कि अगर मेरा ये वीडियो सक्सेस होता है तो मेरे को अर्निंग होगी, और आपका फ़ायदा ये है कि आप इस वीडियो को देख करके अगर इसी तरीके से आप वीडियो मोटिवेशनल वीडियोज़ बना करके देते हैं तो आपकी अर्निंग होगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, ये बुरा आइडिया नहीं है। मेरी एक लास्ट राय है कि एक इंडिया मार्ट गूगल पर है, तो एक इंडिया मार्ट यूट्यूब पर भी होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के इंडिया मार्ट बन जाइए। तो उम्मीद है कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो यूट्यूब का इंडिया मार्ट बनना चाहेगा और वीडियोस डिटेल्स ले करके वीडियोस अपलोड करेगा और अपने चैनल को ग्रो करेगा। बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, इसलिए इस वीडियो को अनदेखा ना करें। आने वाली मेरी जितनी भी 10 सीरीज़ हैं, सीरीज़ को देखें, जिसमें ज़रूर मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरीके से वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ज़रूर देखें, अनदेखा ना करें। कोई भी एक बंदा अगर सक्सेस होगा तो मुझे डेफिनेटली बहुत खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए लगातार ज़रूर देखें। एक ना एक दिन, 2 महीने के अंदर गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि एक ना एक दिन आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा और आपको एक नया रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। लॉकडाउन में घर में बैठे रहने से समय को बर्बाद मत करिए, उस समय का कहीं ना कहीं सदुपयोग कीजिए, या तो कुछ सीखिए, या तो आप यूट्यूब पर ही हाथ आजमा करके देखिए, क्या पता किसी ना किसी की किस्मत यहाँ से चमक जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी किस्मतों की शुरुआत यहाँ से हुई है और उनको जीवन में एक नया करियर मिला है, जो कि घर के एक कोने से बैठ करके वीडियोस बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हो सकता है कि उन सब में से एक आप भी हो जाएं, जिसे कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने घर में बैठ करके वीडियो बना करके अपना जीवन यापन कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।